चूंकि सर आप ग्रास रूट पे काम करते हैं और आपके तो मंत्रालय बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है, तो अगेन इस प्रोवोकेशन के साथ शुरू करना चाहूंगा कि बहुत लंबा वक्त लगाए उसके बाद एक ड्रोन की पॉलिसी आई, उसका इस्तेमाल ये है कि थोड़ा बहुत खिलौने के लिए, फोटोग्राफी के लिए छोटे वाला इधर उधर उड़ा लीजिए, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए, आपके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उबर के आगे दसियों चीज़ों के लिए, इस हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को गरीब लोगों के लिए, मास ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और अगेन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं से भी कोई इनोवेशन हो उसको कॉपी करने और इंडियनाइज करने की ज़रूरत है और सरकार को खुद बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे एजेंडा आप ज़रूर, इससे रोज़ाना आपका आमना सामना होता होगा। मेरा अपना गेस ये है, रिस्क लेते हुए ये गेस करूँगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल, एम्पावरमेंट का जो इस्तेमाल हो सकता है आप नहीं कर पाते। देखिए कैसा है कि एक विचित्र विसंगति है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस, और मैं ये रोज अनुभव करता हूं। आपके गांव में देखो जो बैल जोड़ी होती है ना, उसको एक टोकदार ये करके एक तुतारी बोलते हैं, उसको टोचते तो बैल चलता है, भैंस होती है ना उसकी पूछ को ऐसा बार बार दबाए तब वो चलती है। ये सिस्टम भी ऐसी चाहिए, और इस सिस्टम में क्या है कि इतने चेक और काउंटर चेक है, एक बोलता फॉरवर्ड दूसरा बोलता बैकवर्ड, एक एक लिखता है दूसरा उसकी उल्टी नोट लिखता है, उल्टी नोट को अगर मिनिस्टर ओवररूल करता है तो संजय पुगलिया ब्रेकिंग न्यूज लगा देता है कि गडकरी ने ओवररूल किया, उसको बताया गया था तो उसने ओवररूल किया। हमने इतने चेक और काउंटर चेक लगा दिए हैं कि समाज और देश के हित में, उसमें केवल हम जिम्मेदार नहीं है, हम लोग 35,000 करोड़ का पेपर पल्प इंपोर्ट करते हैं, 40,000 करोड़ की लकड़ी इंपोर्ट करते हैं, 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, और 40,000 करोड़ की न्यूज़ प्रिंट इंपोर्ट करते हैं। ये अखबार वाले जितने पेपर निकलते हैं सब इम्पोर्टेड पेपर है। हमने पूरे देश की पेपर मिल का बैंड बाजा बजा दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई जो मैं उसके लिए लड़ रहा था कि बाम्बू बांस, इसको एक्ट में लिखा था कि ये ग्रास है, पर इसको तोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो मैंने फॉरेस्ट एनवायरनमेंट सेक्रेटरी और मंत्री को पूछा कि बाम्बू को तुम्हारे एक्ट में क्या कहा है, बोले ग्रास। तो मैंने उनको पूछा ग्रास और पेड़ में फर्क है क्या, बिल्कुल फर्क है, पेड़ पेड़ है, ग्रास ग्रास है। बोला ग्रास काट सकते क्या, बोले बिल्कुल काट सकते। फिर बाम्बू ग्रास है तो परमिशन क्यों नहीं देते हैं? अभी परमिशन झगड़ा करके मिली है, और ये बाम्बू की परमिशन अगर 50 साल पहले मिलती तो इस देश में 1.25 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट नहीं होता। 70 रुपए किलो का पेपर खरीद रहे सब लोग, पूरी पेपर वालों का इकोनॉमिक्स बिगड़ गया, वो पेपर मिल बंद की, हमारा 40 रुपए किलो न्यूज प्रिंट मिलती। अगर देश में बाम्बू ग्रास करके होता पेपर मिल चलती तो ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार करने में समय लगता है। आपको पता होगा मोदी जी ने आने के बाद फिर करीब 1200 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। मैं आपको बताता नहीं क्योंकि उल्टा अर्थ है। मैंने एक दिन, मैं एक जगह गया था ऐसे ही इसमें, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मुझे प्रश्न पूछा कि 1880 का एक एक्ट है आपके डिपार्टमेंट में, उसके अनुसार ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। 1880 का? तो उन्होंने कहा 1880 का एक्ट है, ये है वो है। मैं आया वापस ऑफिस में और मैंने सेक्रेटरी को 1880 का एक्ट है, बोले है। बोला निकालो एक्ट सब। मैंने इकट्ठा किए और पुंगली बनाई ऐसे उसके और मैंने सेक्रेटरी जी को हाथ में दिया और जाते समय डस्टबिन में फेंको, ये आउटडेटेड, क्यों रखा इसको। और मैंने पूरे एक्ट खराब निकाल दिए। मोदी जी ने हर डिपार्टमेंट को कहा कि तुम्हारे निकालो पुराना, ये क्या है। 3-3 ट्रक कचरा निकलता है जी सरकारी ऑफिस में। अब मेरा बोलना उचित नहीं है कौन से मंत्री के और किसके यहाँ कितने ट्रक निकला, मैं बताऊंगा तो न्यूज वैल्यू बनेगी। सर आप काफी करीब आ गए हैं उसके, बता ही दीजिए। सरकार में स्वच्छ भारत अभियान में ऑफिस में ट्रकों से कचरा निकला। वैसे कोई भी अंडर सेक्रेटरी, डेस्क ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी एक नया एक्ट निकाल देता है। ये मंत्रियों पर दबाव डालने या प्रेरित करने के लिए आइडिया भी आप ही का रहा होगा कि स्वच्छता अभियान सरकारी दफ्तरों में भी लागू हो। लागू हुआ और ये उसकी भी स्पर्धा हुई। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें सभी सेक्टर में रिफॉर्म की आवश्यकता है और ये रिफॉर्म ये हमारी इंटरेस्ट के लिए है।
कानून है, एक्ट्स है, बिल्स हैं, पर उसकी सिस्टम है और डेमोक्रेसी हमने स्वीकार की है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें कठिनाइयां होती है। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का एक काम है कि कम समय में उसको कैसा करें।